लोकसभा स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे राहुल गांधी। सोमवार को संसद सदस्यता बहाल नहीं हुई तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। राहुल पर मंगलवार दोपहर तक फैसले का इंतजार करेगी कांग्रेस। राहुल गांधी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक बार फिर लड़ाई की तैयारी है और ये लड़ाई लोकसभा की सदस्यता से जुड़ी हुई है। दरअसल 23 मार्च 2023 को गुजरात के सूरत की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। ये सजा सुनाई गई थी बीजेपी विधायक परेश मोदी की याचिका पर, जिन्होंने अपनी याचिका में दावा किया था कि राहुल गांधी ने आम सभा में पूरे मोदी सरकार को अपमानित किया है। उन्होंने राहुल गांधी के 13 मार्च 2019 के कर्नाटक के कोलार में दिए गए भाषण की वीडियो क्लिप भी अदालत को दिखाई। सूरत की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जैसे ही राहुल गांधी को दोषी ठहराया और थोड़ी देर बाद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी। सूरत कोर्ट ने जैसे ही राहुल गांधी को सजा सुनाई उसके बाद से ही साफ हो गया कि अब उनकी संसद सदस्यता भी जाएगी और 24 घंटे पूरा होते ही लोकसभा सचिवालय से आदेश भी जारी हो गया। 24 मार्च राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई और इसके बाद उनका सरकारी आवास भी खाली करा लिया गया। सारी प्रक्रिया तेजी से हुई, कहीं कोई रोक टोक नहीं हुई। राहुल गांधी ने भी कोई विरोध नहीं किया, सिर्फ कोर्ट का रुख किया। 2 याचिकाएं लगाई, पहली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले खिलाफ और दूसरी दोष सिद्धि के रोक को लेकर। दूसरी याचिका राहुल गांधी के राजनीतिक करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगती तो 8 साल तक राहुल गांधी चुनाव भी नहीं लड़ पाते। लेकिन सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। राहुल गांधी फिर हाई कोर्ट गए, लेकिन हाई कोर्ट ने भी राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसे लेकर फिर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया था। यानी अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली का रास्ता खुल गया है। जैसे ही राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तुरंत ही लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी लोकसभा अध्यक्ष से मिले और उन्हें फैसले की जानकारी देते हुए राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बहाल करने के लिए कहा। लेकिन स्पीकर ने साफ कह दिया कि अभी तक उनके पास फैसले की कॉपी नहीं आई है। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लोकसभा स्पीकर को लेकर कहा कि अब उन पर पूरे देश की नजरें बनी हुई हैं। जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता छीनी है, इसमें सिर्फ 24 घंटे का समय लगा, वैसे ही इसे वापस भी किया जाए। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि राहुल को जिस अदालत ने सजा सुनाई थी संसद से, उसकी दूरी 1000 किलोमीटर है और 1000 किलोमीटर दूर की अदालत का फैसला लोकसभा सचिवालय में 24 घंटे के अंदर आ गया और उस फैसले का अध्ययन करने के बाद राहुल को सजा सुना दी गई, जबकि राहुल के पक्ष में फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जो संसद से 2 किलोमीटर दूर है। ऐसे में सचिवालय तक आदेश भी जल्दी आना चाहिए और राहुल गांधी की संसद में वापसी भी जल्दी होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस को डर लग रहा है कि कहीं लोकसभा अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता बहाली का बाबला इस सत्र के आखिरी तक न टाल दे। ऐसा हुआ तो फिर राहुल गांधी संसद में मोदी सरकार खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में शामिल नहीं हो पाएंगे और कांग्रेस ने साफ संकेत दिए कि अगर मंगलवार दोपहर तक लोकसभा स्पीकर ने राहुल की सदस्यता को बहाल नहीं किया तो 8 अगस्त को दोपहर को कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी। दरअसल एनसीपी के लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल पीपी के फैसले को नजीर बनाकर कोर्ट जाने की तैयारी की जा रही है। फैजल को निचली कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता छीन ली गई, लेकिन इसी साल 25 जनवरी को केरल हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी, लेकिन उनकी सदस्यता बहाल नहीं हुई। इसे लेकर फैजल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 29 मार्च को सुनवाई से ठीक पहले ही उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो फैजल जितना इंतजार नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।